क्या करना, अपने घर वालों को झूठ बोल के आया था कि मेरे को तो टीचर बन जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जाऊंगा, 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी उसमें, ऐसे सब झूठ झूठ बोल के आ गया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो के अंदर और स्टूडियो में हो रही है बहुत ज्यादा ठंड, मतलब ठंड इतनी हो रही है भाई साहब। ये एक्रेलिक कलर है, ये 1-2 घंटे में सूख जाता है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने कल निकाला था अपनी पैलेट के अंदर और अभी भी ना ये गीला है, मतलब आप सोच सकते हो ठंड किस किस्म की हो रही है दिल्ली में, ठीक है। तो बात ऐसी है, मेरी एक पेंटिंग सोल्ड आउट हो गई थी जिसको मैंने आज कोरियर कर दिया है। वो पेंटिंग मेरी गई है USA, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हो गया, धन्य हो गया मैं, ठीक है। ये मेरी पेंटिंग 10 तारीख को मुझे कंप्लीट करने का टास्क था और ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे क्लाइंट का फोन आया है कि MK 10 तारीख को नहीं आऊंगा, अब 1-2 दिन बाद आऊंगा, तो वो जब मर्जी आए, लेकिन मेरी पेंटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और दर्शक, तो मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ और वो बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप बिगिनर हो ना तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है वो बुक, इसका नाम है कर्मयोग। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से हमें मिली है, बहुत ही अच्छी बुक है। एक बड़ी अच्छी बात है, जैसे आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन आता होगा ना कि यार आगे क्या करना है, इस फील्ड में मैं आ तो गया हूं या फिर इस फील्ड में अगर मैं आऊंगा तो आगे क्या करूंगा मैं, ये सब ना हमें स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है हमारी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम होती है, हमारा एक्सपीरियंस कम होता है। जैसे फाइन आर्ट में कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि फाइन आर्ट में आ तो जाएंगे लेकिन आगे क्या करेंगे। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे भी नहीं पता था आगे क्या करना, अपने घर वालों को झूठ बोल के आया था कि मेरे को तो टीचर बन जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जाऊंगा, 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी उसमें, ऐसे सब झूठ झूठ बोल के आ गया था, ठीक है। क्योंकि लोगों ने बोला था ना गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो ये बोलकर मैं आ गया था। अभी क्या है, मैं ऐसा फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा हूं, मैं टीचर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी लाइफ में स्टक हो जाएगी वहां पर, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। एज ए ह्यूमन मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सब कुछ, सारी संभावनाएं देखना चाहता हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं डेली यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के साथ में अपनी दिल की बात शेयर करता हूँ, तो उससे ही मैं कुछ ना कुछ लर्निंग ले रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या क्या हम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बींग, ओके। तो लाइफ में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि आगे आपके साथ में क्या होगा, एटलीस्ट अपने कर्म के हिसाब से आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो मैं इस बुक का भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ने के बाद में यही बोल सकता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना, उसको दिल से करो, पूरी ईमानदारी से करो, आगे और एक्सप्लोर करते जाओ, ठीक है। स्टक मत हो जाओ, जैसे अभी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अपना स्टाइल एकदम से बनाने की कोशिश मत करो, एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोर करते रहो, लाइक वाटर जैसे फ्लो करता है ना, बहता रहता है आराम से बिना किसी टेंशन के, बस ऐसे ही बहुत थोड़ा सा। लाइफ में प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि कुछ संभावना नहीं है कि आगे क्या होने वाला। हो सकता है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल मैं वीडियो ही ना बनाऊँ, आज मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरे को कुछ इंजरी हो जाए फिर मैं पेंटिंग भी ना कर पाऊँ। तो ठीक है, लाइफ है, चलेगी वो, आगे क्या करना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन पता लग जाता है आगे जाके, ठीक। तो कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से, कुछ बात करने से ना हमारे माइंड में कुछ इमेजेस बनती हैं, उन्हीं इमेजेस को मैं अपनी पेंटिंग में निकालता हूँ, जैसे आप मेरी पेंटिंग देखते हो उसी तरीके से, ठीक है। बस क्या, उसमें मैं थोड़ा सा जो मेरा एक्सपेरिमेंट होता है, मैं उस एक्सपेरिमेंट को ऐड कर देता हूँ। तो ज़्यादा सोचो भी मत कि यार क्या पेंट करूँ, कैसे पेंट करूँ, कैसे स्केच करूँ, बिकेगा या नहीं बिकेगा। बिकना तो चलो बहुत दूर की बात है यार, पहले आप पेंट करो, सबसे पहले काम करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करो। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो है आर्ट। आर्ट के बिना लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप छोटी सी छोटी चीज़ों को देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी आर्टिस्ट ने ही क्रिएट करी है। इनफैक्ट ये जैकेट, ये टेबल, ये जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, ये भी कोई आर्टिस्ट ही इसको डिजाइन करता है। तो आर्ट का एक बहुत बड़ा मीनिंग है हमारी लाइफ के अंदर। क्या ना, लैक ऑफ नॉलेज, रॉन्ग गाइडेंस की वजह से कहीं ना कहीं आर्ट से ना पीछे हट जाते हैं, आर्ट में आना ही नहीं चाहते, आर्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहते। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को मेरी जर्नी में हेल्प करो, ताकि मैं और लोगों को भी हेल्प कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।